यीशु मसीह यहुन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए गए तो क्या यीशु मसीह पापी थे? क्या यीशु मसीह ने पाप किए जो उन्हें मन फिराने की आवश्यकता थी? क्या वो गुनाह में थे कि उन्हें यहुन्ना के पास जाना पड़ा बपतिस्मा लेने के लिए? प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया। दोस्तों, यीशु मसीह ने यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, और यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव का बपतिस्मा देता था। यानी कि जो लोग अपने पापों से पश्चाताप करते थे, अपने पापों से अपना मन फिरा देते थे, उन लोगों को यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला यर्दन नदी में बपतिस्मा दिया करता था। परंतु एक दिन यीशु मसीह यहुन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए गए तो क्या यीशु मसीह पापी थे? क्या यीशु मसीह ने पाप किए जो उन्हें मन फिराने की आवश्यकता थी? क्या वो गुनाह में थे कि उन्हें यहुन्ना के पास जाना पड़ा बपतिस्मा लेने के लिए? क्या वो मनुष्य की तरह पापी थे कि उन्हें बपतिस्मा लेने की जरूरत पड़ी? मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह पापी नहीं थे, यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर। और जब यहुन्ना ने यीशु मसीह से पूछा, यीशु मसीह से कहा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है, तब यीशु ने कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने केवल इसलिए बपतिस्मा लिया ताकि यीशु मसीह सारी धार्मिकता को पूरा कर सके, इसलिए नहीं कि यीशु मसीह पापी थे, यीशु मसीह ने गुनाह किया था और वो अपना मन फिरा रहे थे। नहीं, बल्कि इसलिए कि यीशु मसीह सारी धार्मिकता को पूर्ण कर सके। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:21 में इस प्रकार से लिखा है, जो पाप से अज्ञात था। दोस्तों, यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, यीशु मसीह पवित्र थे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके और मेरे लिए पापी बना, वो पाप में पापियों की गिनती में गिना गया ताकि हम, मैं और आप जीवन को पाएं और उस धार्मिकता को पा सकें। तो यीशु मसीह ने बपतिस्मा इसलिए लिया, यीशु मसीह यहुन्ना के पास बपतिस्मा लेने इसलिए गए ताकि वो पूरी धार्मिकता को कंप्लीट कर सकें, पूर्ण कर सकें। इसलिए यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया।